हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अदर न्यू वीडियो। सो गाइज, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और एकदम से मस्त होंगे। सो गाइज, आपका भाई फिर से आ गया है भोजपुरी के ट्रेंडिंग सॉन्ग के ऊपर डीजे स्टेटस का ट्यूटोरियल लेकर। लेकिन गाइज, ट्यूटोरियल बताने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि गाइज, अभी इस वीडियो में जो आप लोगों को इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो गाइज जो भी काफ़ी न्यू इफेक्ट के साथ मैंने क्रिएट किया, एंड इस इफेक्ट को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा है, मतलब 2 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लगा है, एंड आपको इसको कॉपी करने में 2 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा। तो आप लोग वीडियो गाइज देखते तो बट लाइक भी नहीं करते हो, तो ये इस बात के लिए बहुत बुरा लगता है, लाइक और कमेंट एकदम नहीं करते हो, जिसके कारण काफ़ी डिमोटिवेट होते हैं। तो आप लोग कब तक सपोर्ट दिखाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। ऐसे भी वीडियो का तो ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा होता नहीं है, आप लोग बस प्रीव्यू तक ही देखो, ठीक है। तो कम से कम वीडियो को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का सबसे पहले बता दूँ, ये भोजपुरी के ट्रेंडिंग रील्स सॉन्ग के ऊपर बनाया गया, जो कि अभी के टाइम में इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। चलिए, इस वीडियो को हम लोग पहले प्रीव्यू देख लेते हैं, फिर मैं उसका स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देता हूँ। लेट्स गो। गाना बजाओ। सो गाइज, अभी आपने जो वीडियो के स्टार्टिंग में प्रीव्यू देखा, आपको आई होप कि ये वीडियो स्टार्टिंग का प्रीव्यू पसंद आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग लाइट मोशन एप्लीकेशन की मदद से क्रिएट करने वाले हैं, एंड इसके लिए आपको क्या करना है कि लाइट मोशन को डाउनलोड कर लेना है। ये आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको मेरे टेलीग्राम पे भी इसका लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे पिन किया हुआ है। एंड आपको ये सारे फोटोज एचडी क्वालिटी में चाहते हो तो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एंड इसका एक्सएमएल फाइल भी मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपको इसका प्रोजेक्ट लिंक चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन से सॉन्ग बिटमार्क क्लिप और से को अपने लाइट मोशन के अंदर इम्पोर्ट कर लेना। एंड गाइस, चलिए यहाँ से हम लोग इसका आगे का प्रोसेस भी करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। ओके दोस्तों, तो हम लोग अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं, एंड यहाँ से हम अपने एलाइट मोशन को कर लेते हैं ओपन। सो गाइस, एलाइट मोशन में अपने सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट और सेक इफेक्ट को इंपोर्ट करने के बाद आपका एलाइट मोशन कुछ इस टाइप से ओपन होगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग प्रोजेक्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, एंड हमारा जो सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट है उसे क्लिक कर देंगे। सो गाइस, इसमें हम लोग एक वीडियो क्लिप को भी यूज़ किए थे, जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। तो उस वीडियो क्लिप को मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से इजीली उसे ले सकते हो, एंड टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है, एंड जिस फाइल में आपका वीडियो क्लिप है को सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। एंड गाइस, हमारा जो वीडियो क्लिप है मैं इसे यहाँ पे सिंपली ऐड कर देता हूँ। आप देख सकते हो हमारा वीडियो क्लिप नेक्स्ट डबल बीट मार्क तक ऐड हो जाएगा। एंड गाइस, वीडियो क्लिप को ऐड कर देने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमें लेयर्स को स्टेप से ऐड करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से हो जाएंगे बैक, एंड अपना जो यहाँ पे देख सकते हो सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में आपको एक ग्रुप देखने को मिलेगा, सिंपली इस ग्रुप पे आपको होल्ड प्रेस करना है, एंड यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है। फिर से आपको सॉन्ग बीट मार्क पर जो कॉपी करेंगे, एंड जहाँ पे हमारा वीडियो खत्म हो रहा है डबल बीट मार्क पे, वहाँ पे आएंगे और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देंगे। फिर से हमें नेक्स्ट बीट पे आके फिर पेस्ट लेयर कर देना है। एंड गाइस, इसी तरह से हमें यहाँ पे 4 टाइम्स इस ग्रुप को पेस्ट करना है। यहाँ पे जब 4 बार आप इस ग्रुप को पेस्ट करोगे तो आप देख सकते हो हमारा डबल बीट मार्क फिर से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप से पेस्ट करने के बाद अपने सॉन्ग सेक इफेक्ट को फिर से ओपन करना है, एंड यहाँ पे हमारे स्टेप से 2 लेयर्स देखने को मिल जाएंगे, जो येलो कलर के आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इन दोनों पे स्टेप से होल्ड प्रेस करके आपको सिंपली इसे कॉपी 2 लेयर्स कर लेना है। कॉपी 2 लेयर्स करने के बाद आपको सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर लेना है। एंड गाइस, जहाँ पे हमने ग्रुप जहाँ तक ऐड किया था वहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ये देख सकते हो ग्रुप। एंड उसके बाद हमारा जो डबल बिट मार्क है 13.19 सेकंड पे, सिंपली हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे कि प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके पेस्ट 2 लेयर कर देंगे, ठीक है। एंड इसे भी हम लोग फिर नेक्स्ट बिट पे आएंगे और फिर से पेस्ट 2 लेयर कर देंगे। सो गाइस, इसे हम लोग 3 बार यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब देख सकते हो मैंने 3 टाइम्स यहाँ पे पेस्ट किया तो हमारा डबल बिट मार्क तक ऐड हो गया। सो गाइस, यहाँ पे अभी जो भी ग्रुप्स एंड लेयर्स को अभी हमने ऐड किया, इन सभी पे हमारा फोटो का साइज़ जो है वो 9x60 के रेशियो में ऐड होगा। तो उसके लिए हम लोग फोटोज़ को पहले क्रॉप कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, 9x60 के रेशियो सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें सिंपली प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है, और उसके बाद हमें फाइल को सिलेक्ट करना है जिस फाइल में आपका फोटो है। तो चलिए, मैं यहाँ से अपने फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से देख सकते हो फाइल को सिलेक्ट करने के बाद
अपने मीडिया वाले फाइल को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा फोटो है सिंपली उस फोटो पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया में सेट कर देना, एंड यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और करंट फ्रेम एस पीएनजी पे क्लिक करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। देन हमारा फोटो जो है वो यहाँ पे सेव कर देना है। इस टाइप से हमारा गैलरी में फोटो सेव हो जाएगा एंड इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो गाइस मैं इस प्रोजेक्ट में केवल एक ही फोटो क्रॉप कर रहा हूँ, हालांकि आप कुछ ज़्यादा फोटोज क्रॉप कर लेना, मैंने ऑलरेडी फोटोज़ को काफ़ी क्रॉप किया हुआ है तो मैं इसे नहीं ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि स्क्रॉल डाउन करके आगे आना है एंड इस ग्रुप पे फोटो को ऐड करने के लिए सिंपली ग्रुप पे टैप करना और एडिट ग्रुप पे क्लिक कर देना। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे नीचे देख सकते हो नीचे वाला जो लेयर है इस पर क्लिक करना, कलर एंड फिल का ऑप्शन में जाना एंड स्टार वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपका जिस भी फाइल में फोटो क्रॉप है उस फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना, आपका फोटो स्टेप से ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको ग्रुप पे दिखा देता हूँ हमारा फोटो की स्टेप से ऐड हुआ है, एंड गाइस देख सकते हो हमारा फोटो कितने परफेक्टली यहाँ पे ऐड हो चुका है। और उसके बाद हमारा स्टेप से आप ग्रुप पे सभी पे ऐड कर देना। एंड हमारा नेक्स्ट जो डबल बिट मार्क है यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, इसमें सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड में फोटो को ऐड करना है। उसके लिए हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे एंड यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर जो हमारा एक ग्रुप देखने को मिलेगा ग्रुप पे क्लिक करेंगे एंड एडिट ग्रुप पे क्लिक करेंगे। फिर हमें यहाँ पे दो ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे, आपको सिंपली एक एक करके ग्रुप पे क्लिक करना है और एडिट ग्रुप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी नीचे वाले लेयर पे क्लिक करके कलर एंड फिल ऑप्शन में चले जाना है और स्टार वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना और आपका जो भी 9x60 रेशियो में फोटो है उसको यहाँ पे सिंपली इस टाइप से हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। और दूसरे वाले ग्रुप पे भी सिंपली क्लिक करके आपको इसी टाइप से 9x60 रेशियो में जो फोटो क्रॉप है इसको भी आपको यहाँ पे दूसरे वाले ग्रुप पे ऐड कर देना है। एंड गाइस हमने ग्रुप पे फोटो देख सकते हो ऐड कर दिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस टाइप से ग्रुप पे तो हमारा बैकग्राउंड में तो फोटो जो है वो ऐड हो गया एंड अब लेयर पे फोटो को ऐड करने के लिए सिंपली इस लेयर पे क्लिक करना, कलर एंड फिल का ऑप्शन पे चले जाना है एंड यहाँ पे स्टार वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो फोटो है उस फोटो को सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है, इस टाइप से ऐड कर देना। सो गाइस देख सकते हो हमने किस टाइप से लेयर पे एंड जो भी हमारा ग्रुप है उस पर हम लोग कैसे फोटोज पे हमने ऐड किया। तो इसी टाइप से चलिए हम लोग लास्ट तक यहाँ पे जितने भी लेयर्स देखने को मिल रहे हैं उन सभी लेयर्स पे फोटोज़ को इसी टाइप से ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइस सभी लेयर्स पे फोटोज़ को हमने ऐड कर लिया, आप देख सकते हो। तो गाइस आपको बस यहाँ पे लास्ट में एक बात ध्यान रखना कि जब हम लोग लास्ट वाले जो लेयर है उसके पहले वाले यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको तीन लेयर्स देखने को मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पे तीनों लेयर्स पे आपको सेम फोटो को ऐड करना है, ठीक है। तो बस इतना बात का आप यहाँ पे ध्यान रखना एंड यहाँ पे हमारा ये जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारा जो यहाँ पे इतना गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ 18.8 सेकंड से आगे हम लोग को इस टाइप से गैप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग फोटोज़ को ऐड करेंगे, उसके लिए हम लोग अपने मीडिया में जाएंगे एंड अपने फोटो वाले फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो फोटो वाला फाइल है उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे सिंपली फोटोज़ को ऐड करना है। तो मैंने अपने फाइल को सिलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके मैं अपने फोटो के पास आ जाता हूँ हमारे जहाँ पे फोटो है। और फोटो के आने के बाद आपको सिंपली जो फोटो हमारा जहाँ मिल रहा है इस पर क्लिक करना और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे फिल कंपोजिशन एरिया पे सेट कर देना है। देन गाइस नेक्स्ट वीडियो का इसके एक्स्ट्रा पार्ट को आपको कट कर देना है एंड यही प्रोसेस करते हुए लास्ट तक ऐड करना है। बस यहाँ एक बात का ध्यान रखना कि आपका जहाँ पे भी लेयर होगा वहाँ पे हमने फोटोज़ को ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग कर देते हैं ऐड और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइस सभी बिट्स पे हमने फोटोज़ को ऐड कर दिया है एंड यहाँ से हम लोग हो जाते हैं बैक। अब अपने सिक इफेक्ट के अंदर आ जाना एंड आपको जो हमारा इफेक्ट मैंने आपको दिया है लास्ट में सिंपली इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट में आ जाना है और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको सिंपली सॉन्ग बिटमर्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है एंड स्क्रॉल डाउन करके आपको लास्ट में आ जाना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम लोग लास्ट में आ जाते हैं और हम लोगों ने जहाँ से फोटो को ऐड किया था वहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में आ जाना है और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। और गाइस यहाँ पे पेस्ट इफेक्ट करने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक इडेज को ऑफ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक इडेज को फर्स्ट वाले फोटो में ऑफ कर देना है एंड सेकंड वाले फोटो में आपको ऑन रखना है। सेकंड वाले फोटो में कोई चेंज करने नहीं करना है, आपको सेम इसी टाइप से रखना है। फिर नेक्स्ट फोटो में आपको क्या करना है कि इसी टाइप से ऑफ कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक इडेज को ऑफ कर देता हूँ एंड नेक्स्ट फोटो में हमें ऑन रखना है, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिक इडेज का कलर भी चेंज करना चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है, इलेक्ट्रिक इडेज पे क्लिक करना, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन में क्लिक करना एंड यहाँ पे आपको जो कलर चेंज करके करना है आप वो कलर रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आप देख सकते हो मैंने पर्पल कर दिया। किसी प्रकार से आप जो कलर रखना चाहते हो उस कलर को रखना। और गाइज यहाँ पे जितने फोटोज हमने ऐड किया है उन सभी फोटोज पे जब इफेक्ट को अप्लाई कर दोगे तो आपका सिंपली स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा, आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।